नमस्कार, दी बॉस न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। बिहार का आज एक ऐसा स्विमिंग पूल दिखाने जा रहे हैं जो 20 सड़कों पर बनी हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर सहरसा का दृश्य, सहरसा के भीरा सुपौल जाने वाली, सहरसा सुपौल जाने वाली मुख्य मार्ग की ये तस्वीर है और भीरा पटोरी बाजार का ये दृश्य है, जहाँ देखिए किस तरह से थोड़ी देर की बारिश में पूरा जो सड़क है वो स्विमिंग पूल बन चुका है। स्विमिंग पूल में सड़क जो है वो तब्दील हो चुका है। कह सकते हैं कि मात्र चंद घंटों के बारिश में ये बड़ा जो पैमाने देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं सड़कों पर, वो लगा हुआ है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरह से जो गाड़ियां जाती है वो पूरी गाड़ी जो है वो डूब जाता है और जो कई बार हादसा भी हो चुका है और कई बार यहाँ पर इसके जो निकासी, पानी निकासी के प्रावधान को लेकर कई बार मांग भी की गई है, लेकिन किसी ना अधिकारी की नींद खुली और ना ही किसी जनप्रतिनिधि की नींद खुली, जिस कारण यहां के समस्या का अब तक समाधान हो सका। और तस्वीरें आप देखेंगे तो यहां से आप दूर तक नज़र डालेंगे तो पूरा पानी ही पानी नज़र आएगा, सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नज़र आएगी। और यहाँ पर दुकान भी आप देख पा रहे होंगे कि पानी के बीच यहाँ पर दुकान है, दुकान खोले हुए हैं लेकिन कोई काम नहीं, किसी काम का वो दुकान नहीं है क्योंकि पूरा पानी जो है वो सड़कों पर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है, समस्या का समाधान आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात, स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है आपका ये सड़क, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या कारण है जो यहाँ पर पानी लगा हुआ है? यहाँ समाधान के लिए आज वर्षों से हम लोग इस बात को कह रहे हैं, शासन प्रशासन सबको, और कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन भी यहाँ किए बैठे इस समाधान के लिए। यहाँ स्थानीय BDO साहब आए, तत्कालिक समाधान हुआ लेकिन उससे कोई अस्थाई समाधान नहीं हो पाया। रह गई बात तो ये, सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग जो नेपाल तक को जोड़ता है और जितना यहाँ इमरजेंसी आपातकालीन सेवा है वाहन का, इधर से गुजरता है रोज़, पल पल एक दो घटना होती ही रहती है और ये लगातार आज एक महीने से चल रहा है। जब से पहली बारिश हुई है तब से यहाँ बाजार नरक बन चुका है। अच्छा, ये बताइए, एक कहा जाता है कि ये जो मुख्य मार्ग है ये विदेश को जोड़ने वाली ये सड़क है। बिल्कुल, विदेश से इसको जोड़ता है, यहाँ से दरभंगा को भी जोड़ता है। विदेश तो यहाँ नेपाल तक पेशेंट वगैरह जाता है जो सहरसा से रेफर होता है, इधर से ही सारा एम्बुलेंस गुजरती है। इस पर ये समस्या अभी 5-6 साल से लगातार हो रही है, लगातार हो रही है और कोई भी शासन प्रशासन, जो भी हमारे इनके संबंधित पदाधिकारी हैं या सांसद हो, विधायक हो या जो भी हो इनसे संबंधित पदाधिकारी, उनका अभी तक आंख नहीं खुला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम हुआ। इसका आधा मैं DM साहब से आग्रह करूंगा कि इसका अस्थाई समाधान किया जाए जिससे ये बाज़ार का अस्तित्व बचे। ये बाज़ार में बहुत अभी यहाँ की हालत बहुत ही दयनीय हो गई, पल पल घटना होती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है, समस्या कहाँ पर अटका हुआ है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, जल जमाव की समस्या आखिरकार क्यों बना हुआ है यहाँ पर। हम लोग तो बहुत दिन से प्रशासन को सूचना दे रहे हैं कि कम से कम कुछ सर इसका उपाय निकाला जाए लेकिन अभी तक कोई उपाय इसका नहीं निकला है। हम लोग SDO साहब को भी आवेदन दिए हैं, DM साहब को हम लोग व्हाट्सएप पे डाले भी हुए भी है, बोल रहे हैं कि NH वाले को मैं बता रहा हूँ, वो कल काम शुरू करेंगे लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है, जिसके कारण हमारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। अच्छा, कितने दिन से आपकी दुकानें बंद पड़ी हुई? 10 दिन से दुकानें बंद पड़ी है, बोहनी तक नहीं हो पा रहा है हम लोगों को, बोहनी तक नहीं हो पा नहीं रहा। हो पा रहा है। तो आगे क्या उम्मीद लगती है आपको सरकार और प्रशासन से, क्या उम्मीद है जो वर्षों से ये समस्या बरकरार है, अब आगे क्या उम्मीद है आप लोगों की सरकार से? अभी तक तो सर कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है लेकिन आज भी बात हुई है, बोले कि मैं बहुत जल्द इसका कुछ उपाय कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई उपाय इसका नहीं हो पाया है। नहीं हो पाया, तो हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि सर इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, चूँकि हम लोग का पैर खराब हो गया, लोगों को बचाते बचाते रोज़ यहाँ गाड़ियाँ उलट रही है, गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं पानी में। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। और भी स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे, समस्या क्या है? पटोरी पंचायत के आप यहाँ के प्रतिनिधि है और स्थानीय मुखिया है और इस मुद्दे को आप देख रहे हैं, ये समस्या को आप देख पा रहे होंगे किस तरह से समस्या बनी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हादसे के शिकार हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई किया गया? देखिए, हम आगे बात किए हैं तो BDO साहब से जो बात किए तो बोला इसका नाला का सनसन क्या हुआ है,
लेकिन क्या हुआ है, लेकिन अभी तक इसका जो है चालू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पानी बार बार लग रहा है और यह पानी को हम बार बार निकासी करते हैं, इसको बहाते हैं, लेकिन ये तो साधन है नहीं जो बार निकासी के तौर पर अगर आप कीजिएगा तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं। हाँ, तो यही बात हम आगे हम आग्रह करते हैं जो यह समस्या का जितना जल्दी हो निपटारा किया जाए, नहीं तो यहाँ जिस तरह का माहौल बना हुआ है, ये पानी जो लगा हुआ है, यहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, खतरा का बहुत बड़ा जो है ये रास्ता बन गया है, तो इसे जितना जल्दी हो आगे जो पदाधिकारी हैं इस पर देखा जाए, इसका कार्रवाई किया जाए। चलिए, कार्रवाई करने की जो मांग है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं, अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। और एक बार आप फिर से तस्वीर देखेंगे तो आपको पूरा इलाका, ये पूरा सड़क जो है वो जलमग्न होता हुआ दिखाई देगा। कह सकते हैं ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा सड़क जो है स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। स्विमिंग पूल आपने घर के अंदर या कहीं पर देखा होगा, और लेकिन सड़क पर आपने स्विमिंग पूल नहीं देखा होगा। आज हम आपको सड़क पर स्विमिंग पूल का दृश्य दिखा रहे हैं। और यह तस्वीर देखने के बाद सरकार और अधिकारी और प्रशासन के पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिरकार सालों से ये समस्या बरकरार है, उसके बावजूद भी आखिरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चंद घंटों के बारिश में यह पूरा सड़क जलमग्न हो जाता है। आपको बता दें कि यह सड़क विदेश को भी जोड़ने वाली है और यह सड़क जो है सीधे नेपाल की ओर जाते हैं। और इस इलाके से हमेशा जो मधेपुरा सुपौल वगैरह सब जाने के लिए इस रास्ते का उपयोग किया। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति है, वो बाइक से जा रहे थे और हादसे के शिकार हो गए तुरंत। जस्ट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से हर एक मिनट पर यहाँ पर लोग जो है, जो राहगीर है वो हादसे के शिकार हो रहे हैं, उसके बावजूद भी आखिरकार क्यों नहीं सरकार और प्रशासन की नींद खुल रही है, और आखिरकार क्यों नहीं प्रशासन और सरकार की आंख खुल रही है, आखिरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई किया जा रहा है, क्यों नहीं अस्थाई समाधान इस इलाके को किया जा रहा है, क्या लगता है, उम्मीद है आपको? हम लोग उम्मीद क्या आग्रह करते हैं जिला प्रशासन से, DM साहब से, कि इसका कोई अस्थाई समाधान किया जाए। चूँकि हम समझते हैं कि बिहरा में, ये बिहार, पूरे बिहार में ये पहली ऐसा मार्केट बाज़ार है जहां पानी का समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं हो रहा। ये दृश्य आपको बिहार में कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, जो दृश्य इस मार्केट और बाज़ार की है। चलिए, वाकई में ये दृश्य कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो दृश्य यहाँ पर देखा जा सकता है, क्योंकि जिला पदाधिकारी को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार कार्रवाई कब तक किया जाता है और कब तक इस जो समस्या का अस्थाई समाधान किया जाता है, और कब इस समस्या के दूर किया जाता है, और कब यहाँ के लोगों को इस समस्या से राहत मिलती है।